आखिरी के दो पावर प्लेस बताने का वक्त हो चुका है और पहला पावर प्ले स्टॉक है फेडरल मोगल गोएट्स। अब इस कंपनी की जो अल्टीमेट ग्लोबल होल्डिंग कंपनी है उसे यूएस बेस्ड टेनेको ने 1 अक्टूबर को एक्वायर कर लिया है। दो इंडिपेंडेंट कंपनीज बनाई जाएंगी। विभाजन होने वाला है इस कंपनी का, आफ्टर मार्केट और राइट परफॉर्मेंस कंपनी और नई पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी बनेगी। और जिसने एक्वायर करा है टेनेको, वो एक बहुत बड़ा लीडर अपने स्पेस में। इनफैक्ट पिछले साल करीब करीब $9.3 बिलियन के रेवेन्यूज थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के पास जाती हुई। रेडाप रखें, ट्राइजन टेक्नोलॉजी अगला स्टॉक। बहुत तगड़ी पिटाई के बाद मंडे को कुछ स्टॉक में रिवाइवल आया था और खबर आई है कि सैप टेक्नोलॉजीज के साथ इसने करार कर लिया है मिलके जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज के लिए। अच्छी खबर इस छोटी कंपनी के लिहाज से, और आईटी एज अ स्पेस वैसे भी फ्लेवर में, इसीलिए इसमें खरीदारी, लेकिन सिर्फ टेक्निकल ट्रेडिंग बेट के लिहाज से इसको रडार पर रखें। ऑलराइट, अब आखिरी के दो गेंदबाज हैं मेरी टीम में और मुझे लगता है कि आज उज्जीवन पर और इक्विटास जैसे स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। देखिए, कल जब भारतीय बाजार बंद थे तो आपने देखा किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, पर शुक्र है वो आंदोलन तो खत्म हुआ है, लेकिन जो उनकी मांगे थी वो ज़्यादातर सरकार मानेगी, और वो इसलिए मानेगी 3 राज्यों में चुनाव आपके सामने खड़े हुए हैं। और जो सबसे जटिल मांग है उनकी वो है कर्ज माफ़ी। और देखिए, जब कर्ज माफ़ी की मांग किसान करते हैं तो जनरली हम देखते हैं इक्विटास, उज्जीवन और इस तरह के जो स्मॉल बैंक फाइनेंस वाले बैंक्स होते हैं वहाँ पर दबाव देखने को मिलता है। तो आज उसी तरह का दिन हो सकता है और इसीलिए हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो आज दबाव में दिखेगा। वो कह रहे हैं कि डीजल उनको सस्ता मिलना चाहिए, दिक्कत की बात है, और उन्होंने कई लंबी 14-15 शर्तें सामने रखी हैं जिसमें से सरकार ने कई शर्तों को माना है, और इसीलिए देखिए वो आंदोलन एक बार के लिए ठंडा पड़ा है। लेकिन हमें लगता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर दबाव आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। मेरी पूरी टीम आपके सामने है, बताइए आशीष, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? बड़ा ऑब्वियस, मैंने कहा था एक स्टॉक ऑयल एंड गैस स्पेस का जो मुझे टीम से हटाना पड़ा था क्योंकि हेमंत की टीम में था, मुझे भी पसंद आ रहा था, वो है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी HOC। कच्चे तेल में उछाल का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है इस कंपनी के लिए, ये स्टॉक को अपने डाप रखें, अच्छा अपमूव दिखाएगा। लेकिन हेमंत, यहाँ पे तो खैर 4 गेंदबाज और 6 बल्लेबाज हैं, कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, MRPL पसंद आ रहा है, और देखिए कच्चा तेल यहाँ से अगर ऊपर और भागेगा तो MRPL की दिक्कतें और बढ़ेगी। सेलोन रैली स्टॉक है, चार्ट पर इसकी सेहत बहुत कमजोर है। चेन्नई पेट्रो, MRPL आज दबाव दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन दोनों में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है तो फिर MRPL है, तो इसी को चुनना चाहेंगे। इस पर होगी मेरी नजर, लेकिन मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, दो गेंदबाज और बाकी सब बल्लेबाज हैं आज के सत्र में, और हमें लगता है कि पेपर सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार का फोकस अब INDFS के निपटारे के बाद अर्निंग सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और आपने देखा सोमवार को किस तरह से IT शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। अब छोटे मझोले सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनके अच्छे नंबर्स आने वाले हैं, इसलिए JK पेपर, वेस्कोस्ट पेपर, TNPL को अपनी टीम में शामिल किया है। ओरियंट पेपर को आज प्रीट का दर्जा दरअसल इसीलिए दिया है। कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिल रही है इससे इथेनॉल और दूसरे अल्टरनेट फ्यूल वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी, इसलिए प्राइज इंडस्ट्रीज को टीम में शामिल किया है। और कच्चे तेल की तेजी का फायदा अगर किसी एक सेक्टर को मिलेगा तो ऑफशोर कंपनियों को मिलेगा, इसलिए डॉल्फिन ऑफशोर और HOEC को आज टीम में जगह दी है। इसके अलावा SBI पर रखिएगा नजर, INDFS के शेयर धारक हैं, और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि वो INDFS को बहुत आराम से बेल आउट करने के लिए तैयार है, इसका फायदा दरअसल SBI और HDFC जैसे इनके शेयर धारकों को मिलता हुआ नजर आएगा। और किसानों के आंदोलन के चलते जो कर्ज माफी की उनकी मांग है उसके चलते आज अगर दबाव कोई एक सेक्टर दिखा सकता है तो वो जीवन इक्विटास जैसी कंपनियां दिखा सकती हैं जिनका कर्ज इनके ऊपर है। और आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कर्ज माफ किया जाए, और जो आंदोलन कल हुआ वो बहुत ही जटिल था, इसीलिए हमें लगता है ये सेक्टर आज दबाव में रह सकता है। ओके, मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर, 6 बल्लेबाज और 4 गेंदबाज है। पहले शुरुआत करी कच्चे तेल के प्ले को लेकर, और IOC और MRPL बेचने के मौके, और उसी प्ले में सिलोन एक्सप्लोरेशन, अच्छी खबर इस कंपनी के लिए, सेंटिमेंट पॉजिटिव, खरीदारी करने के मौके, दो बिकवाली करने के कॉल्स। कावेरी सीट जिस तरह बिल्डअप हो रहा है वो दिखा रहा है वीकनेस शायद परसिस्ट करेगी स्टॉक में। और विप्रो, IT वैसे आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो दिक्कतें सामने आई, विप्रो का एक की क्लाइंट है, इसलिए मुझे लगता है स्टॉक दबाव के साथ कामकाज करेगा। वेरॉक इंजीनियरिंग, टेस्ला को लेकर जो अच्छी खबरें आ रही हैं, इसका की क्लाइंट है, रडाप रखें इस कंपनी। कोटलाइन इंडस्ट्रीज बोर्ड की परसों बैठक, फंड रेजिंग पर विचार और प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की बात। मॉइल को रडाप रखें क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और मेटल एज अ स्पेस शायद आज फ्लेवर में रहे। और फाइनली दो पावर प्ले के स्टॉक्स थे फेडरल मोगल, जहां पे US की दिग्गज कंपनी ने इसको, इसकी होल्डिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया है। और लास्ट पावर प्ले था ट्राइजन टेक्नोलॉजी, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से बैठ, और इन्होंने सैप के साथ जो करार करा है वो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। चलिए, ये थे स्टॉक 2020 के 20 बेहतरीन आइडियाज, लेकिन अब तो करनी है हमें मुनाफे की तैयारी। और वीरेंद्र और हेमंत वहां पे पहुंच चुके हैं,
दोनों रेडी हैं आपके लिए एक खास पेशकश लेकर। आज पूरे दिन भर की मुनाफी की तैयारी अगले एक घंटे डेढ़ घंटे में होती हुई नजर आएगी। वीरेंद्र, तो जो हफ्ते की शुरुआत हुई थी बड़े पॉजिटिव नोट पे थी, उसके बाद अच्छा हुआ कल बनते जैसे हेमंत 2020 में भी हाईलाइट कर रहे थे। आज के लिए सेटअप कैसा और हेमंत स्टॉक सेक्टर कौन सा लड़ाप रहने वाला है? देखिए, मैं ये कहूंगा आशीष के कुल मिला के बापू ने कल बचा लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बापू ने कल बचा लिया और जिस प्रकार का हैंगसेंग का हॉरर शो था ना, हम उससे बच गए। लेकिन देखिए, आज IL&FS मुद्दा जो था वो सोमवार को लग रहा था कि सुलझ गया है, एक बड़ी चोट मारी सरकार ने वहां पे। लेकिन कुल मिला के उस अच्छी खबर के बाद हमें एक क्रूड और एक रुपया यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए, बिल्कुल थोड़ा सा सहारा वहां से मिले, अदरवाइज आई थिंक डिफिकल्ट सेशन रह सकता है अगर रुपया भी कमजोर हो गया तो। तो कच्चा तेल जी हाँ, ये चिंता की बात बिल्कुल है। और ये अगर 85 के आसपास पहुंच गया था, शुक्र है कि आज बापू ने दरअसल क्रूड को भी जो छुट्टी हमें मिली ना उसके चलते आप कह सकते हैं कच्चे तेल को भी आज अगर आप देखें तो 85 के ऊपर होता तो हम ज्यादा नर्वस होते। अच्छी बात यह है कि इस समय हांगकांग के बाजारों में दरअसल तेजी देखने को मिल रही है और चाइना के मार्केट्स हैं बंद। तो करते हैं मुनाफे की तैयारी की शुरुआत। जी हाँ, खुला मैदान है फिर आज। चलिए, तो आज चार बड़ी खबरें हेमंत अगर आप देखें तो वो रहेंगे, एक तो ग्लोबल संकेत, आप ही कह सकते हैं मेरे वॉल स्ट्रीट से जो संकेत थे वो थोड़े से अगर आप देखें अच्छे थे, लेकिन रेस्ट ऑफ एशिया थोड़ा सा हल्का सा कमजोर था। लेकिन जैसे कि अभी हेमंत ने कहा कि हैंगसेंग ने एक बार फिर से अगर आप देखें पलटी मारी हरे निशान में। कच्चा तेल हालांकि अगर आप देखें एक चिंता का विषय है, 85 के स्तर पर ये, हालांकि अभी स्क्रीन पर आपको देखने को अगर आप देखें कुछ डाउन टिक्स मिलेंगे, लेकिन 85 एक गंभीर विषय भारत के लिए, स्पेशली भारत के लिए। और NCLT ने कर्ज में डूबी IL&FS के बोर्ड को आखिरी जो सस्पेंड किया है, जो नया बोर्ड और स्पेशली वो एक चेहरा उदय कोटक, वो शायद अगर आप देखें तो इस पूरे विषय को एक कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा देगा। और उसके बाद ट्रेड पॉलिसी पर नजर, आखिरकार क्या है एक्सपेक्टेशन, इस पर भी खुल के बातचीत होगी। जी हाँ, आज दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो करेंगे आपके लिए बेहतरीन रणनीति की तैयारी। और हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब। और याद करिए, भसीन साहब पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से क्या कह रहे थे कि 10,850 के आसपास खरीदारी करने के बेहतरीन मौके, और वहां से 100 पॉइंट की जबरदस्त रैली दिखाई है निफ्टी ने। तो आज पूछेंगे उनकी क्या रणनीति है, साथ ही prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान साहब भी बताएंगे आपको बेहतरीन आइडियाज जहां पर आज आपकी इंट्राडे भी कमाई होगी और पोजिशनल लेकर चलेंगे तो भी आपको अच्छा होगा फायदा। जी हाँ, साथ ही हमारे साथ अश्विनी गुजराल और संदीप वाघ मौजूद होंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए, आखिरकार इस पुल बैक को हम कितने रिस्पेक्ट दें और एग्जैक्टली 9:15 पर स्थितियां क्या होंगी, क्या हुआ आपका ट्रेड लॉन्ग या फिर शॉर्ट। आशीष चतुर्मुता डेरिवेटिव से बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे, आखिर वायदा कारोबार की पोजीशंस कैसी हैं, और रजत के बोस टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। हेमंत, आई थिंक एक अच्छा पुल बैक सोमवार को हमने देखा IL&FS अगर आप देखें के बोर्ड को निरस्त कर देना, नए बोर्ड का एक चेहरा बाजार के सामने आया, उसने NBFCs को अगर आप देखें एक अच्छे पुल बैक का मौका दिया, बैंक्स ने एक शॉर्ट कवरिंग का भरपूर सेशन देखा। लेकिन आज आई थिंक एक बड़ा क्रिटिकल डे है, मेक और ब्रेक, कुछ क्रिटिकल लेवल्स होंगे जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण होगा 9:01 पर के रुपए का स्तर क्या है, क्योंकि वो 73 के बिल्कुल आसपास आके खड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अगर आपको पढ़ने हैं तो बहुत ही शानदार संकेत हैं। अमेरिका का बाजार 200 पॉइंट की रैली दिखाकर बंद हुआ सोमवार के सेशन जब भारतीय बाजार बंद हुए थे तब हमें लग रहा था कि डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है तो इतना तो तेजी होनी चाहिए, जो कि हुई। लेकिन हमें उस दिन ये नहीं पता था कि मंगलवार को भी अमेरिका के बाजारों में दरअसल तेजी देखने को मिलेगी। तो डाउ की 200 पॉइंट की सोमवार की तेजी तो हम पचा कर गए थे, लेकिन 125 पॉइंट जो और वो बढ़ा है कल के सेशन में, जब कल भारतीय बाजार बंद थे, तो वो हमें दरअसल नहीं पता था। तो अमेरिका के संकेतों में ये पढ़ने वाली बात है कि ये 100 पॉइंट की तेजी आज भारतीय बाजारों के लिए अच्छा मदद का काम कर सकती है, बुल्स के फेवर में ये जरूर है। लेकिन बेयर्स के फेवर में क्या खबर है? कच्चा तेल 85 के आसपास जाना, और चर्चा ये हो रही है कि चाइना जो एक कच्चे तेल का कॉन्ट्रैक्ट जो वो खरीद रहा है, जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, वो $90 के आसपास लेने के लिए तैयार है। यानी चाइना को ये लग रहा है कि क्रूड यहाँ पर रुकेगा नहीं, और ये खतरनाक संकेत हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी। पे डिलीवरी लेने को तैयार है। जी हाँ, तो वो $90 पर डिलीवरी लेने को तैयार है, जब इस समय एक्सचेंजेस पर 85 के आसपास का कारोबार हो रहा है कच्चा तेल। तो ये वो संकेत है जो बुल्स को यहाँ से तेजी करने के लिए, बहुत ज्यादा तेजी करने के लिए, ओवरबोर्ड जाने के लिए रोकता हुआ नजर आएगा। तो कच्चा तेल ये एक दिक्कत की बात साफ तौर पर है। बिल्कुल, कच्चा तेल दिक्कत की बात है। ये एक बार संकेत को देख लेते हैं, एग्जैक्टली अगर आप देखें संकेत किस श्रेणी में रखेंगे आप। देखिए वॉल स्ट्रीट से अच्छे संकेत थे,
हैंगसेंग आपका हरे निशान में आ चुका है, तो हम ग्लोबल संकेत को न्यूट्रल कर देते हैं अब, क्योंकि बहुत नेगेटिव नहीं रखेंगे और पॉजिटिव भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक अंतराल के बाद हम खुल रहे हैं, लेकिन हैंगसेंग क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा सा पुलबैक दे रहा है, तो और एसजेक्स निफ्टी ठीक ठाक है, तो हम इसे न्यूट्रल लगते हैं। एफ आई इज बैक क्योंकि कैश के आंकड़े इनके बहुत खराब हैं। डी आई इज गुड, एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि 1800 करोड़ रुपये की बाइंग है, लेकिन टेक्निकल और एफ एंडो सेटअप क्योंकि हेमंत खुलते ही साथ सुबह इनफैक्ट हमने बात करी थी ना कि 10940 एक क्रिटिकल सपोर्ट है और खुलते ही साथ 11050 11080 ये काफ़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है, यानी खुलते साथ एक रेजिस्टेंस जोन आपकी स्क्रीन पे पड़ेगा, तो रुपया उस लेवल को पार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो सर्कमस्टेंसेस के आधार पर आप देखिए से न्यूट्रल रख रहा हूँ, बाकी जो हमारे विशेषज्ञ होंगे बताएंगे एग्जैक्टली कि कहाँ पर किन लेवल्स पर इसको बाय करना है, किस लेवल्स पर सेल करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे लिए आज एक नेगेटिव सरप्राइज है वो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा है कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है, तो ये जो उन्होंने बात कही है इससे होगा ये कि भारत जो सोच रहा था कुछ और चीज़ों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा ले जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम कह रहे थे कि एक सूची तो आ चुकी है, एक शायद और आने वाली है, वो सूची में इतनी पुख्ता नहीं होगी, अगर होगी तो मोबाइल जैसी चीज़ें जो बाजार मांग कर रहा है होनी चाहिए, वो शायद होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये जो बयान है ये दरअसल अच्छी खबर नहीं है ट्रंप साहब, और देखिए वो दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा है किस तरह से उन्होंने मैक्सिको के ऊपर वॉल बना बोला और हम लगा देंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे तो दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जो दबाव बनाते हैं, जो पेन रहता है, जो आज चाइना झेल रहा है, वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। एक बार सुना देते हैं कि उन्होंने किन शब्दों में भारत के लिए क्या कहा है, सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया व्हिच इज द टैरिफ किंग, they called us and they say we want to start negotiations immediately. When Bob Lighthizer said what happened, you would never do this, they said no, we want to keep your president happy. Isn't that nice? It's true, they have to keep us happy because they understand that we're wise to what's been happening. India charges tariffs of 100%. And then if we want to put a tariff of 25% on, people will call from Congress, but that's not free trade. And I'd look back to people and say, where did these people come from? बिल्कुल, तो ये एक और संकेत जो है वो मेरे नाज अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब विशेषज्ञों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप वागले जुड़े हैं इस खास कार्यक्रम में, खास बातचीत पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और भावन देसाई भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। वागले साहब, पहले तो नमस्कार, और एक दिन के अंतराल के बाद एक हमको रिलीफ मिला है। डेफिनेटली कल सर्कमस्टेंसेस अगर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया में अच्छे नहीं थे, क्रूड देखिए जहां जिस लेवल पर पहुंच गया। आज आपको लग क्या रहा है, आज क्या आप लॉन्ग ट्रेड के लिए कमिट करेंगे इस ओपनिंग के बाद? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग हेमंत सर। मैं लॉन्ग करूंगा क्योंकि हम रेंज के लोअर एंड पे है, मेरे लिए 10,920 ये लोअर एंड है, और यहाँ पर मैं सुन रहा था आपकी बातें और इतना कुछ चीजें निगेटिव है नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि ऊपर में वन वे रैली नहीं होगी, सस्टेन नहीं होगा, 100-120 पॉइंट के प्ले के लिए बिल्कुल ये रेंज सही है। सो 10,920 11,050 ये मेरी रेंज है, निफ्टी बैंक की 25,550 और तीन बार हमने नियरर 200 डे मूविंग एवरेज के लोअर एंड से जो बाउंस मारा है, स्पेसिफिकली परसों जो हुआ था, तो वो ये संकेत देता है कि लोअर एंड पे बाइंग आने वाली है। इतना वन वे जो हम बेरिश थे परसों वो नहीं होने वाला, तो 10,800-10,850 ये एक बेस का काम करेगा। बिल्कुल, और मैं तो वो बोलता हूँ 10,920 भी शायद आज ना ब्रेक करे, अगर क्या बात है, उसके आसपास। लेकिन इतना बुलिश भी नहीं हूँ कि वन वे तेजी होगी। नाश्ता में क्या खाया आज? मजा आ गया, लेकिन आज आपकी सुबह सुबह की पहले वर्ड सुन के तेजी होगी। नहीं हेमंत, क्या है ऑन अ सीरियस नोट, ये जब रेंज में प्ले होता है ना जी सर, तो आपको एंटी पोजिशन लेनी पड़ती है। सेलिंग थोड़ी सेलिंग हो गई, आप सेल करने लगे कि आप फंस जाओगे, थोड़ी बाइंग होती है 70-80 पॉइंट, फिर आप बाय करने में आओगे। ट्रेंडेड मार्केट में और ये मार्केट में फर्क है, आपको ये रेंज प्ले। एक चीज जो आपने बताई ना, ये 920 का लेवल जो है ना आपका 10,920, मैं शायद 940 लेके चल रहा था, और सुबह आपने बात भी की थी कि इसके नीचे वीकनेस बढ़ेगी, और आपने दूसरा लेवल बताया 11,050 है ना। बिल्कुल, इस 11,050 के ऊपर भी अगर कोई जाए, निफ्टी अगर जाने लगे, वहाँ सर्कमस्टेंसेस बनने लगेगी इसके ऊपर टिक रहा है, तो फिर कहाँ के टारगेट देखेंगे आप? मैं ये कन्विंस होगा वीरेन कि 11,150 के ऊपर अगर सस्टेन करे, स्पेसिफिकली ऑन अ वीकेंड वीकली चार्ट्स, तो मेरे लिए ये पहला संकेत होगा कि 200 डे मूविंग एवरेज ने अपना काम कर दिया और अपना शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया। ओके,
11,150-180 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर अपसाइड 11,300-350-200 पॉइंट की है। तो सर अपने आइडियाज भी बता दीजिए यहीं पे, फिर भाविन साहब से बात करते हैं। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये मेरा पहला बाय कॉल है। डबल बॉटम जैसे पैटर्न बना है और ये बाउंस बैक अच्छा कर सकता है, वो बाउंस बैक के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ। 124 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 135 का मेरा 1-2 दिन का टारगेट होगा। बेचने में मैं जाऊंगा भारतीय एयरटेल के साथ, थोड़ी सी उछाल मिलेगी तो ये ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा, जिस तरह से परसों का पैटर्न है या परसों और मतलब 2 दिन पहले का जो वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक टूटा है, हर बाउंस पे मुझे ये बेचना है। 333 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह होगी। 312 का मेरा 2-3 दिन का टारगेट होगा। जी चलिए, भावेन देसाई भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भावेन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। भावेन, आज स्क्रीन पर अगर आप देखें जो हालात है थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ अगर मैं कूट को छोड़ दूं या फिर 9 बजे रुपए की ओपनिंग कैसी होगी उस अगर आप देखें चीज़ को छोड़ दूं तो बाकी संकेत ठीक ठाक लग रहे हैं, चाहे वॉल स्ट्रीट के हों, हैंगसेंग का लोअर लेवल से पुलबैक हो, आई एंड एफ एस के इशू का अगर आप देखें निपटारा। आप निफ्टी पे क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, मार्केट्स पे क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, और क्या आप फ्यूचर्स प्ले करेंगे या फिर ऑप्शंस के जरिए प्ले करना एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं? नमस्कार वीरेन, शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। एक बढ़त जरूर देखी गई है, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि वो बढ़त किस तरह से आई है। तो फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग दिखाया है, अब शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे लॉन्ग में नहीं करना चाहूंगा। अगर तेजी के सौदे लगाने भी हैं तो बिल्कुल ऑप्शन का जरिया बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अब बात करते हैं अगर रेंज की, तो करीबन 11-11150 के आसपास फ्यूचर्स में हम फिजल आउट होते दिखे हैं। पिछले दिनों भी नीचे में ज़्यादा गिर भी नहीं रहे हैं, 11-850-11900 के करीब रुक भी जाते हैं, पर 17% की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंडेक्स लेके चल रहा है, निफ्टी इंडेक्स के ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक इंडिसाइसिवनेस जरूर है, लेकिन 1-1.5% की दिन के दिन में मूवमेंट होनी अपने आप इंडेक्स में बहुत बड़ी बात होती है। तो एक नॉइज है, वो नॉइज क्लियर नहीं होता है तब तक एक लिवरेज सौदा लेने की बिल्कुल राय नहीं होगी। अब सौदा क्या करेंगे, दोनों तरह के सौदे करें, इंडेक्स में हेज क्रिएट करके चलें और स्प्रेड के द्वारा लॉन्ग क्रिएट करके चलें। ओके, बात तो ये बढ़िया रणनीति आज के लिए हो रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स बताइए भावेन जहां पर आपकी नजर है आज के पिक्स। दो सौदे हैं हेमंत, शुरुआत करूंगा सन फार्मा के साथ। गिरावट के बाद फ्राइडे वाले दिन में लॉन्ग्स दिखे थे फ्यूचर्स में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 620 के करीब अगर कुछ फर्दर गिरावट होती भी है तो रुक जानी चाहिए। ऊपर में 670 के टारगेट देख रहा हूँ, उस ट्रेड के लिए, उस व्यू को ट्रेड करने के लिए 650-670 का बुल स्प्रेड क्रिएट किया जा सकता है, 650 का कॉल लिया जा सकता है, सामने उसी समय 670 का कॉल बेचा जा सकता है। उस ट्रेड की 6 रुपए की करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्प्रेड बनती है। ये स्प्रेड के टारगेट मेरे 12 रुपए के लेके चल रहा हूँ और स्टॉप लॉस 3 रुपए का लेके चल रहा हूँ। साथ में बढ़ते रुपए के बाद HCL टेक 1100 के करीब नया भाव बना के एक बार ही गिरा था, वापस फ्राइडे के दिन एक तेजी का माहौल बनते हुए दिख रहा था, फ्यूचर्स में लॉन्ग हुए। वंस अगेन 1200 के करीब के टारगेट है मेरे, उसको प्ले करने के लिए 1120 का एक कॉल खरीद के उसी समय 1200 का एक कॉल बेचने की राय होगी। वंस अगेन बुल स्प्रेड है, तो करंट स्प्रेड 18 रुपए का है, उस स्प्रेड के 34 रुपए के टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, और स्टॉप लॉस उसका 9 रुपए का रख सकते हैं। आज एक छोटा सेक्टर चुना है और वो है पेपर सेक्टर, और इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए बाजार का फोकस सोमवार से शिफ्ट हो रहा है कि अर्निंग सीजन में क्या हो सकता है, और बाजार ने इसका अनुमान लगाना अभी से ही शुरू कर दिया है। आईटी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आएंगे, और आप देखिए TCS इन्फोसिस में क्या जोरदार तेजी देखने को मिली है। कुछ छोटे मझोले सेक्टर्स जो अच्छा प्रदर्शन इस बार दिखा सकते हैं, मार्केट अब उसके ऊपर फोकस करेगा अब, और हमें लगता है कि पेपर सेक्टर के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। देखिए पॉलिथिन बैन से तो इनको फायदा लगातार मिल ही रहा है, ये वो सेक्टर है जो कमाल दिखा सकता है नतीजों के लिहाज से। तो अगर छोटे मझोले सेक्टर्स में कुछ अगर चुनना है तो फिर वो पेपर सेक्टर हो सकता है। हम बताएंगे आपको कौन से वो स्टॉक्स हैं जो पेपर सेक्टर में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये वो सेक्टर है जो अलग हटकर है। ऑब्वियस चीजें तो दिख रही हैं, कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये आपको आज ऑफशोर कंपनियों में तेजी बनेगी, ऑयल इंडिया ONGC के लिए बढ़िया दिन हो सकता है, लेकिन जो अलग है सेक्टर वो दरअसल ये सेक्टर, और इस सेक्टर में देखिए बहुत बड़ा करेक्शन भी देखने को नहीं मिला। तो अभी भी नतीजे एट द एंड ऑफ द डे
सही पिक्चर होते हैं। देखिए सेंटिमेंट के चलते कई शेयरों में गिरावट देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगर उन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे तो फिर बहुत ही बेहतरीन रैली भी देखने को मिलेगी। तिमाही के नंबर्स काफी अच्छे होंगे, अब अर्निंग सीजन के ऊपर बाजार फोकस करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो आज अगर आप देखें, हेमंत कह रहे हैं कि पेपर सेक्टर पर नजर रखिए, ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। हालांकि अगर आप देखें यहाँ पर इन्होंने ऑफशोर कंपनियों को भी अगर आप देखें तो काफी तवज्जो दी है। आज सुबह सुबह 2020 में भी अगर आप देखें तो आपने वागले साहब ने भी देखिए HOEC बताया, ये भी ऑफशोर कंपनी है, तो पेपर सेक्टर जो है वो सेक्टर ऑफ द डे है। लेकिन मैं जो बात छेड़ रहा था ना बीच में जी, वो ये था कि IT जिसका जिक्र आपने सुबह भी किया, और आई थिंक रुपए की जो कमजोरी है उसी से सीधे फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल, और अगर आप डेरिवेटिव्स को देखें या फिर टेक्निकल सेटअप को देखें वागले साहब, आई थिंक इससे बेहतरीन स्पेस कोई नजर नहीं आ रहा चार्टी के लिए। आप देखें तो आप IT की बात कर, हाँ IT की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी राय क्या है इसमें, कुछ पिक करेंगे आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से? वीरेन, इसमें हम ऑलरेडी दो दिन से बुलिश है। TCS आई थिंक मैं लास्ट थर्सडे फ्राइडे को भी बात कर चुका हूँ, मंडे को भी मैंने TCS का और मैंने CNBC पे भी कवर किया था दोपहर को। तो TCS मेरा नंबर वन स्टॉक होगा, और जैसे हमने परसों कहा TCS फॉलोड बाय इन्फोसिस, ये मेरा परसों का दो स्टॉक्स थे जो आउट परफॉर्म कर चुके और भी करेंगे। फ्रंट लाइन में मैं ये टाइम पे रहना चाहता हूँ, चार्ट्स में उसमें स्ट्रेंथ दिखती है, सेकंड रंग है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट करना चाहिए, मोमेंटम अभी फ्रंट लाइन के साथ है, लोग सेफ्टी के साथ, ट्रेडर सेफ्टी के साथ जाना चाहते हैं। मैं IT स्पेस की बात कर रहा हूँ तो उसी के साथ रहे। ऑलराइट, चलिए तो IT सेक्टर पर ये रहा, लेकिन खबरों के दम पर और कौन से स्टॉक्स हैं जो कमाल दिखा सकते हैं? कई ऑटो कंपनियों ने अपने नतीजे पेश कर दिए थे, बिक्री के आंकड़े सामने आ चुके थे, लेकिन कई कंपनियों ने दरअसल बिक्री के आंकड़े सोमवार को बाजार बंद होने के बाद और मंगलवार को पेश किए हैं। तो चलिए, सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए आज खबरों वाले शेयर कौन से। सोनम, ओवरव्यू बताइए। तो सबसे पहले तो कच्चे तेल से जुड़े सारे सेक्टर्स फोकस में आ जाते हैं, सारे स्टॉक्स फोकस में आ जाते हैं। हेमंत, ऑलरेडी आपने ऑफशोर कंपनीज की तो बात कर ही ली है, इसके साथ जो दबाव में आ सकते हैं उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, टायर्स, एविएशन, पेंट कंपनियों पर नजर रखेगा। कच्चे तेल में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, $85 प्रति बैरल पर आ पहुंचा है, और ये नेगेटिव इन सारी कंपनीज के लिए। अब ऑटो कंपनीज की आपने बात की, टू व्हीलर कंपनियां हैं हीरो, TVS और आयशर मोटर्स। इन कंपनियों ने अपने सितंबर महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं, और यहां पर एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है TVS मोटर्स और हीरो की तरफ से। बल्कि हीरो की कुल बिक्री में 7% का उछाल देखने को मिला है, और पहली बार ऐसे है कि कंपनी ने 7,50,000 के आंकड़े को पार किया है। TVS मोटर्स के आंकड़े तो हमारे उम्मीद से बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, जबरदस्त उछाल, कुल बिक्री में 18% का जंप दिखाई दे रहा है। आयशर मोटर्स के आंकड़े लेकिन कमजोर है, यहां पर हमारे उम्मीद से कमजोर आंकड़े आए हैं। सिर्फ रॉयल एनफील्ड के ही कमजोर नहीं है, कमर्शियल व्हीकल बिक्री जो मजबूत चल रही है ओवरऑल सेक्टर में, इसके बिक्री के आंकड़े भी आयशर मोटर्स के कमजोरी दिखाई दे रहे हैं। टाटा मोटर्स के शेयर पर भी नजर रखिएगा, JLR ने अपने US बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं, और यहां पर भी 7% की गिरावट दिखाई दी है, तो ये नेगेटिव रहेगा टाटा मोटर्स के लिए। और भारत फोर्ज, नामकृष्ण फोर्जिंग्स, MM फोर्जिंग, GNAXL, ऑटोमोटिव एक्सेल, इन सारी कंपनीज पर फोकस आ जाता है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक की बिक्री के आंकड़े आए हैं सितंबर महीने के, और यहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है। साल दर साल तो आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन महीना पिछले महीने के यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 20% की गिरावट दिखाई दे रही है, तो ट्रेंड के मुताबिक यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रही है, और इसलिए नेगेटिव रहेगा। INFS की बात की आप लोगों ने ऑलरेडी, सारे के सारे शेयर्स फोकस में आ जाते हैं। सरकार ने कंपनी का पूरा बोर्ड बदल दिया है यहाँ पर, और जितने भी बोर्ड से जुड़े नाम आए हैं वो सारे के सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उदय कोटक जी का नाम यहाँ पे सामने आया है, और वो डेफिनेटली एक बड़ा नाम होगा जिसके कारण शेयरों में फिर से आज तेजी देखने को मिल सकती है। सोमवार के को ऑलरेडी शेयरों में यहाँ पर तेजी दिखाई दी थी। 8 अक्टूबर को बोर्ड की पहली बैठक होने वाली है, तो इस 8 अक्टूबर के दिन पर खास नजर बनी रहेगी। डॉक्टर रेड्डी के शेयर पर नजर रखिएगा, कंपनी ने एक जेनरिक दवा को लॉन्च किया है US मार्केट में। इस दवा का जो मार्केट साइज है वो लगभग $87 करोड़ का है, तो एक पॉजिटिव। और दूसरा, कंपनी ने एक डर्मा प्रोडक्ट को बेच दिया है EPI हेल्थ को, कितने में बेचा है ये तो डिटेल सामने नहीं है, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही खबर मानी जा रही है। फाइनली कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पे जाइडस को USFDA से एक मंजूरी मिल गई है स्किन केयर ड्रग के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर कैडिला हेल्थ के लिए। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 8 अक्टूबर, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, श्राद्ध भी खत्म हो रहे हैं। देखिए, INFS का बोर्ड भी इसी दिन मिलना चाहता है, और ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो इसके बाद शुरू हो जाती हैं, तो इसके ऊपर भी शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। आप देखिए, ऑटो नंबर्स जो सोनम बता रही थी उसमें हीरो मोटोकॉप और TVS के नंबर्स बहुत ही गजब के आए हैं। इस बार जो सब लोग डर रहे थे कि ओवरऑल सारी ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े कमजोर आने वाले हैं, ऐसा
हुआ है किसी हद तक, लेकिन टू व्हीलर्स इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर रहा है। और अब जैसा आप बता रहे हैं नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फेस्टिवल सीजन की सही मायने में शुरुआत श्राद्ध के बाद होगी, तो फिर ऑटो कंपनियों के ऊपर फोकस किया जाए। बागले साहब, कोई दोनों में कुछ नजर आ रहा है आपको, हीरो मोटो टीवीएस दोनों में से कौन सा चार्ट ज्यादा बेटर है, कोई ट्रेड लेना चाहेंगे अवॉइड है? इनफैक्ट हेमंत, हम आयशर पे 27,000 के आसपास ट्रेडिंग के लिहाज से हमने कहा था 26,000 के आसपास जाएगा, जो गया 23,000 के नीचे जाके जिस तरह से, और ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से, तो तीनों मेरी ऑर्डर ये होगी आयशर, हीरो मोटो एंड देन टीवीएस। ओके, और मुझे लगता है अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। आयशर अभी करंटली 750 है, मुझे लगता है ये 26,000 तक तो जा ही सकता है, 26,200, और इसको भी बाउंस बैक ही मानना चाहिए। बट एज अ ट्रेड ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन है, तो मैं आयशर, हीरो और टीवीएस के साथ जाना चाहूंगा, और ये अगले 2-3 दिनों का ट्रेड होगा। एक और चीज़ इनफैक्ट मिस्टर भावेन, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये, और जरा प्लीज इस पुल बैक में अगर आप देखें हेमंत, सबसे पहले किसी स्टॉक ने कोई भूमिका निभाई थी वो था HDFC बैंक। बिल्कुल सही, उसने जो भूमिका निभाई ना वो वाकई काबिल तारीफ थी, और वो एग्जैक्टली एक इंडिकेशन था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं HNIs जो हैं इसके इन लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और लेकिन आप मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है कि मौजूदा स्तर पे वो इच्छुक हैं इस प्राइस में, और आई थिंक बेस्ट केस में बुल केस में लगभग 3,000 तक का भी लक्ष्य दिया उन्होंने, वो बड़ी बात बनता है। और वहाँ से और करंट प्राइस में देखिए कितना बड़ा डिफरेंशियल है, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। भावे ने एक टेक्निकल सेटअप पर चर्चा कर लेते हैं, HDFC बैंक पर आपकी राय क्या होगी टेक्निकली? और थोड़े सी फ्यूचर्स के आंकड़े बताना चाहूंगा, पिछली एक्सपायरी में काफी शॉर्ट्स हुए हैं, उसके बाद जो पिछले 2 दिन की मूवमेंट है उसके बिना पे एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ कुछ जो लॉन्ग आते हैं ना बहुत बड़े शॉर्ट्स के बाद, उसके बाद एक जो कवरिंग शॉर्ट कवरिंग रैली आती है वो कहीं ना कहीं 5-7% ऐसे वाले स्टॉक में जहां पे 20-25% की इंप्लाइड वोलेटिलिटी का स्ट्रक्चर चलता है, वहां पे 5-7% की तेजी का माहौल कभी भी बन सकता है। 2049 के करीब स्टॉक चल रहा है, 2100 का ट्रिगर लेवल लगता है, अगर ये 2100 का ट्रिगर लेवल क्लियर कर देता है तो मेरे हिसाब से 100-150 रुपए की तेजी कहीं भी मतलब इट इज अ वेरी रीजनेबल टारगेट फॉर HDFC बैंक इन दिस एक्सपायरी। अभी के अभी अगर सौदा लेना है तो करीबन 2012 के करीब का स्टॉप लॉस रख के 2100 तक का टारगेट तो अभी के लिए भी बनता ही है। अच्छा बाब, ऑटो कंपनियों की बात हो रही थी, उसको आगे और बढ़ा लेते हैं। भारत फोर्ज के जो बिक्री के आंकड़े हैं नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स के, जितने अच्छे पिछले 2 महीने के आए उतने अच्छे इस बार के नहीं आए हैं, ये तो फंडामेंटल बात हो गई। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर भारत फोर्ज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे बागले साहब, इसका चार्ट सेटअप आपको कैसा नजर आ रहा है ये बताइए। हेमंत, 625 का कल का परसों का क्लोज है और हम एक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है जो कि 570-580 के आसपास है, तो अगर ये यहाँ बेचना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए, इनफैक्ट वो लेवल मेरे लिए लेने की लेवल होगी। और अगर आंकड़े इतने ही खराब है तो फिर आप 570 के नीचे बेचिए, फिर 520 चले जाएंगे, ठीक बात, तो 570 क्लोज होने दीजिए, एटलीस्ट अवरली क्लोज होने दीजिए, जो मुझे नहीं लगता है होगा। 590-580 में बाइंग आनी चाहिए, अगर ये गैप डाउन खुलता है उसके आसपास मैं तो बिल्कुल भी शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। तो एक और चीज बागले साहब का 2 साल पहले का वैलेंटाइन पिक था ये, तो वागले साहब को ने अगर देखिए किससे अगर वो किसी को प्रपोज करते हैं तो देखिए लंबे समय तक रखते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2 साल पहले वैलेंटाइन डे पे इन्होंने प्रपोज किया था। इस बार भी रहेगा वागले साहब या बदल देंगे? अभी वीरू वैलेंटाइन डे तो बहुत दूर है, उसके पहले काफी दिन है अभी, लेकिन बट ऑन अ सीरियस नोट मैं आपका ये क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा क्योंकि आप टेक्निकल समझते, एक आधा मिनट लेता हूँ। RSI जब तक 50 के ऊपर रहता है मंथली स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी रहती है और यहाँ से स्टॉक डबल ट्रिपल हो सकता है, तो आप अगर अगले 1-1.5 साल का व्यू लेते हो तो भारत फोर्ज मेरे लिए डबलर है यहाँ से। ओके, मैं एक और बात कहूँगा, जब क्योंकि आपने RSI का जिक्र किया तो मुझे इस बात ने स्ट्राइक किया एकदम से, मारुति का RSI कहाँ चला गया था आपने देखा था? इस जोन में मारुति अमूमन जाता नहीं है RSI पर, अगर आप देखें, मैं जैसे कि अभी हेमंत क्लास ए ट्रक की बात कर रहे थे, उन नंबर्स की बात कर रहे थे, आप ये भी आइए ना, अब टाटा मोटर्स के GLR के नंबर्स देखे आपने इस बार भी, वो भी कमज़ोर हैं, पिछली बार भी काफ़ी कमज़ोर थे।
इस स्पेस में अगर आप देखें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, फोर व्हीलर सेगमेंट में, इसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? कोई प्राइस अट्रैक्ट कर रहा है आपको? आपके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है, मैं होता तो मारुति ही देता, अगले सवाल बताओ। अच्छा, इंसिडेंटली मारुति का आरएसआई 50 के ऊपर है, टाटा मोटर्स और मारुति और आयशर या हमने भारत फोर्ज की बात की, ये सारे 50 के ऊपर है, और टाटा मोटर्स का आरएसआई मंथली 30 के आसपास है, तो ये लेवल पे तो मैं बेचूंगा नहीं, बट टाटा मोटर जब 400 था, आरएसआई ने 50 के नीचे ब्रेक हुआ था, और हेमंत को याद है हमने कहा था कि इसको बाय नहीं करना चाहिए, याद है? तो टेक्निकल्स वो मतलब महीने में वर्क करता है। आयशर मोटर्स हो गया, चाहे बजाज ऑटो हो गया, चाहे मारुति हो गया, हेमंत ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं, 100% ग्रोथ स्टॉक्स हैं। आप इन पे शॉर्ट करके ठीक है, एक दिन पैसा कमा लेंगे, दूसरे दिन पैसा कमा लेंगे, लेकिन अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है ना, तो ऐसे दौर में वैल्यू एज अ इन्वेस्टर ये सारे बाय कैटेगरी में आते हैं, भले यहाँ से 5-7-8% नीचे की ट्रेडिंग डाउन मूव मिल सकती है। बात है देखिए, हायर इंश्योरेंस कॉस्ट, फेस्टिवल सीजन में केरला ने जो खराब शुरुआत करी, इन सब कंफ्यूजन के चलते ये नंबर्स नीचे आए। ध्यान रखिए, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, और ये ऑटो के नंबर्स जो अब आएंगे वो दरअसल फेस्टिवल सीजन को सही से दिखाएंगे। तो अक्टूबर के महीने में ऑटो के नंबर्स जब हम महीने भर बाद बात कर रहे होंगे तो बढ़िया नजर आने वाले हैं। तो आपको अब ऑटो कंपनियों में बहुत मंदी नहीं करनी चाहिए। जो पूरी चर्चा का सारांश है वो दरअसल यही है कि खराब समय पीछे निकल चुका, और अब फोकस करना चाहिए अच्छे शेयरों पर। और मारुति जो वीरेंद्र भी कह रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में मैं कल पढ़ रहा था, कल खाली था ना तो बहुत सारी पढ़ाई लिखाई हो गई, तो उसमें सब लोग यही कह रहे हैं कि उनको मारुति बहुत पसंद है। तो जो लोग सोच रहे थे कि 10,000 के आसपास मारुति उन्होंने खरीद लिया है, अब 7,500 के आसपास क्या करें, तो बिल्कुल खरीदने की ही राय है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट स्टूडियो में शामिल होने के लिए आ रहे हैं।